सो गाइस 920 और आज मेरे साथ है R15 वर्जन 3 का। तो बाइक की लुक कुछ ऐसी है, मेटालिक रेड है। फाइनली अभी इसको लेके मैं सिद्रावली साइड पे आया हूँ R155 सेगमेंट में। बहुत ही प्यारी बीस्ट है यार ये। पावर के लिए यूज करते हो या माइलेज के लिए, तो दोनों में इसकी परफॉर्मेंस जो है ना वो एक नंबर है यार। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द लॉस्ट बॉय सोल। और कैसे हो आप सब, उम्मीद करता हूँ जहाँ से होंगे जैसे होंगे एकदम सेफ होंगे। पीछे से लुक देखो भाई इसकी, कितनी ज्यादा प्यारी लगती है ना। 200cc तक होती ना ये बाइक। तो वैसे बाइक को राइड करते हैं एंड आपको बताते हैं बाइक के बारे में। आई होप के व्यू आपको अच्छा नजर आ रहा होगा। देखो बाइक 6th गियर में है और स्पीड है आपकी 47-46। तो भाई और क्या चाहिए आपको, 6th गियर में अगर बाइक इतना चल रही है इट मीन्स कि ये आपको माइलेज जो है अच्छी दे रही है। तो आगे एक बहुत प्यारा कर्व आया बाइक पे, कभी मैंने लीन किया नहीं है इसको। मैं अभी ज़्यादा ट्राई नहीं करूँगा बिकॉज आदत नहीं है मुझे बाइक पे लीन करने की, लेकिन अगर हमारे साजिद भाई होते ना तो यार वो आपको लीन करके बताते हैं। फर्स्ट और सेकंड गियर में ना काफ़ी ज़्यादा पिकअप है बाइक का। जितना इसका सीसी है ना उस हिसाब से जितनी इसमें पावर है ना यार, उसका कोई मैच नहीं है यार। थैंक्स टू साजिद भाई जिन्होंने आज मुझे अपनी बाइक दी राइड करने के लिए। आप भी रोज़ रोज़ स्कूटी देख देख के बोर हो गए होगे। हैंडलिंग एक नंबर है यार, हैंडलिंग बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है यार, बहुत ज़्यादा स्मूथ है। चलिए गाइज अभी सिद्रा भी पहुँच रही वाले 10K सब्सक्राइबर्स अगर तुम लोगों ने मेरे एक महीने में कर दिए ना तो मैं कोई बाइक ले लूँगा। काफ़ी प्यारी गाड़ी चल रही है ना यार, ये देख सकते हो यार इसके टायर कितने ब्रॉड है मर्सिडीज। सो पहले गाइज अभी सिद्रा के ट्रैक पे पहुँच गए एंड सबसे पहले जाते हैं इसका फ्यूल अप करवाने के लिए नीचे, तो उसके बाद देन वापस आएंगे और घर के लिए निकलेंगे। बट सुबह सुबह के टाइम पे ना सिद्रा की राइड करना बहुत बेस्ट रहता है यार, बिकॉज गरम गरम धूप, ठंडी ठंडी हवा, और क्या चाहिए भाई, क्या चाहिए। और देखो यार कितनी स्मूथ कटिंग है बाइक की, मतलब स्कूटी पे ये कॉन्फिडेंस नहीं आता क्योंकि देखो इसका एक ब्रॉड टायर है जो अप हो गया है। तो अभी निकलते हैं यहाँ से घर के लिए वापस। बट मुझे नहीं पता पेट्रोल डलवाने के बाद भी क्यों ये ब्लिंक कर रहा है अभी भी, हालांकि इसको ब्लिंक नहीं करना चाहिए था। तो अभी चलेंगे यहाँ से हाईवे में एंड हल्का सा रेव करेंगे इसको। पीछे तो खाली है, डाउन शिफ्ट 3-2-1 ओके। तो गाइस 120 गई गाइस। तो कोई नहीं, जब अपनी बाइक होगी ना तब एक्सपीरियंस होगा और तब भाई देखना तुम। पर मैं आया था एक राइड पे, तो एक लड़का था यार वो राइड कर रहा था, तो उसके पास भी R15 थी एंड वो सीधा ना मतलब बाहर के लिए हो गया यार, उसका ध्यान पता नहीं कहाँ भटक गया। तो वो कर्व में ना पूरा बाहर के लिए निकल के आगे जगह आएगी मैं आपको दिखाऊंगा, ये सीधा यहाँ से नीचे हो गया यार। मतलब उस बंदे का ना पूरा पाँव रोटेट हो गया था यार। ये देखो भाई ऑफिशियल किडनैपिंग व्हीकल। ओ भाई वो यार मैंने नहीं लटाई, ये खुद लेट की यार, लेकिन क्या लेटी थी यार थोड़ी सी। तो फिर से एक लेट आया, कवर करने की कोशिश करते हैं बट उस तरह का हो नहीं पाएगा। तो अपने स्पॉट पे आ गए भाई, लुक एट दिस यार, लुक एट दिस बीस्ट, क्या तारीफ करें यार इसकी। अभी मैंने 120 पे चढ़ाई थी, ब्रेकिंग सिस्टम एक नंबर है यार। थोड़ी गंदी होगी, इसको धोने के काबिल होगी है ये। काफ़ी प्यारी बाइक है यार 155 सेगमेंट में, और मतलब इतनी उम्मीद नहीं थी इस बाइक से जितना ये परफॉर्मेंस देती है। C390 2017 मॉडल लेंगे बाद में, पहले हम लेंगे R15, इसी पे सब कुछ सीखेंगे, लीन करना सब कुछ करना, बिका छोटा इंजन है ना तो, एंड ऊपर से मतलब परफॉर्मेंस भी इतना अच्छा देखने को मिल रहा है। एंड देन उसके बाद अगर आप एक हैवी सीसी पे शिफ्ट होती हो ना तो भाई फिर आप जो जलवे दिखाओगे ना वो भाई और कोई नहीं दिखा सकता, ठीक है। तूफान, ओ भाई 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 भाई, बस बस बस, ओ टायर जल जाएगा, बस कर। अबे भाई वाह भाई वाह 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 वाह, शाबाश। अबे गर्म है ये क्या है,
सो फाइनली गाइज यार अभी आए थे सिद्रा एंड जैसा कि आपने देखा कि हमने बर्नआउट किया था इस बाइक पे बिकॉज इस बाइक का जो टायर है ना हमने करवाना है चेंज। इस बाइक का काफी ज्यादा काम करवाना है एफजेएस का, हमारे मुसहर भाई की बाइक है ये, देख सकते हो उन्होंने कितनी साफ रखी हुई है बाइक, एज यू कैन सी। एक्सक्यूज मी, आप बाइक कब दिलवा रहे? पैसे नहीं, कंगाल है भाई। मुसहर भाई ने आज राइड की थी तो बोला था मुझे देना कैमरा, मैं भी जरा व्लॉग बनाने का ट्राई करूंगा। तो मुसहर भाई यहाँ से वापस तो बाइक राइड करने वाला हूँ मैं, तो दिखाना मुझे कि बाइक कैसी लगती है आगे से, व्यू कैसा आता है। तो अभी तो इसका टैंक देखो यार, टैंक कितना ज़्यादा ब्रॉड है और कितना प्यारा व्यू है ना आगे, और बहुत ज़्यादा लीन नहीं कर रहा। ये देखो यार कितने टायर्स के निशान देखे यार। तो अभी हम पहुँच गए यार यहाँ एनवायरमेंटल पार्क के पास, सबसे बेकार पार्क यार, बंदर के अलावा तो इसमें है कुछ नहीं। आप पैदल उतर के आ जाना ठीक है, वो भी ठीक है, पैसे नहीं देने पड़ेंगे और क्या, मुझे पता आपके पास पैसे बहुत हैं। तो निंजा टेक्निक है ठीक है, अगर आप अभी बर्नआउट की जो निंजा टेक्निक देखी बस आप करते बाइक न्यूट्रल एंड जाने देते हैं ऐसे, क्योंकि तेल भी बड़ा महंगा हो गया, हालांकि मुसहर भाई के पास बड़ा खजाना छुपा हुआ है तो लोगों को ये बड़ा दान करते। तो संडे को ना मैं ये वाली बाइक ले आऊंगा, इस बाइक पे हम व्लॉग करेंगे जब ये बाइक पूरी ठीक हो जाएगी। सी आपको रोड पे बंदर देखते हुए मिलेंगे। तो मुसहर भाई अगर मैं इतनी स्पीड में पिछली ब्रेक मारूं क्या होगा? मार के देखते हैं और क्या, मार के देखते हैं जरा। मुसहर भाई इतना डर थोड़ी होता है बंदे को, मुझे जिंदगी से प्यार है। तो मुझे नहीं है क्या यार, कैसी बातें कर रहे हो यार मुसहर भाई। इसका टैंक बड़ा अच्छा लगा यार मुसहर भाई, सोच रहा हूँ इंटॉर्क में डलवा दूं। लेकिन हमारी जनता पूछना चाहती है वो वहां मूत के रहे ओ यार सच में यार वहां पे क्यों मूत रहा भाई, रोड के साइड में खड़ा हो गया यार। हमारी जनता पूछना चाहती है इसको धुलवाओगे कब? बस आज मुसहर भाई सच में अगर आगे पुलिस वाले हुए अपनी कर सकता। तो फाइनली गाइस यहाँ नरवाल पहुँच गए जहाँ पे हमने अपना टायर जो था ऑलरेडी निकवाल के रखा हुआ था। तो अब जाएंगे सीधा इसमें टायर डलवाएंगे एंड बर्नआउट भी हो गया एंड फिर तुमसे मिलते हैं आगे ठीक है। देखो यार ट्रक कैसे निकाल रहे हैं, वो देखो टायर, ओए इसका मुसहर भाई मुझे लगता है मुझे जाना पड़ेगा, ये बर्नआउट कर रहे हैं ये देखो, ये भी बर्नआउट कर रहे हैं सच में, वो देखो देखो देखो, ओ भाई साहब भाई ने भी बर्नआउट किया आपकी तरह यार। ओ टायर हवा में क्यों है इसका? वो मैं भी सोच रहा हूँ यार, पीछे से आप चलना ना इसे, गाड़ी बंद होगी यार। अपोलो के टायर डलाए हुए भाई ने, पूरे लीन करने वाले भाई ने अंकल, मतलब हम व्लॉगर्स की लाइफ में सारे भाई। तो यार अपोलो के टायर डलवाए हुए आज भाई, सीधा सीधा ऊपर आ गया यार सर भाई, ये तो मौत को दावत देना हो गया था आप जंप मारने की सोचे डर गए थे यार, आपने जंप मार दिया यार। यार मुसहर भाई ना मुझे छोड़ के उतर गए थे, वैसे टायर वाली दुकान है कहाँ पे? अच्छा आगे थी, मुझे लगा यहाँ पे है यार, तभी तो मैं तेरे को बोल रहा था इधर से आया के। यार मुझे लगा कि टायर वाली दुकान वहाँ पीछे है, ट्रक फंसा हुआ, जोर हमने लगाया हमारी वजह से ट्रक बाहर आया। किसकी वजह से? हमारी वजह से भाई, आ जाओ टायर लेके। तो